ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से जीरो से आप कब चला चालू करते हैं, तो सबसे पहले आपकी चर्चा कहाँ से आती है, वर्ड से। कंफर्म हुआ? वर्ड से। तो आप वर्ड के संबंध में सबसे पहले जानिए वर्ड क्या है। ध्यान दीजिए, वर्ड के संबंध में आप सबसे पहले ये समझिए कि वर्ड क्या है ना। तो वर्ड के संबंध में आप समझिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कंफर्म हुआ? भाषा की लिखिए, मतलब लिखवा देंगे हम, पॉइंट पॉइंट लिखवा देंगे, पहले आप समझने का पूरा प्रयास करिए, समझ लेंगे तो एकदम अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बात स्पष्ट हुआ? अब ये देखिए सब आपके क्या है, क, ख, अ, आ, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके वर्ण है। मतलब से शुगर, तो हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्ण का एक दूसरा नाम अक्षर भी है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अक्षर का अर्थ होता है अनाशवान। क्या होता भैया? अनाशवान। अनाशवान का मतलब होता है जिसका क्षरण न हो, जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे भंग न किया जा सके। तो आप, हमने आपको बताया कि जो वर्ण की परिभाषा होती है वह क्या होती है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। बात कंफर्म हुआ? अब ध्यान रखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण की अगर हम प्रकार की बात करें, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का। तो पहला आपका कौन सा है, स्वर, और दूसरा आपका क्या है, मतलब शुगर, पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। अब आप स्वरों के संबंध में पहले समझिए कि स्वर क्या है, ठीक। स्वरों के आप संबंध में समझिए स्वर क्या है। तो स्वर के संबंध में समझिएगा स्वर कि ऐसे वर्ण, इसी परिभाषा इसका दीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या दूसरे भाषा में आप कह दीजिए कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनिया, ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से अगर होता है तो वही क्या कहलाएगा आपका, स्वर कहलाएगा। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो। किसी तरीके से अगर आप लिखित है, रिटेन करा रहे हैं, जैसे भी हो आप लिख सकते हैं, आप कह दिए ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कन्फर्म हुआ? अब देखिए, अब अगर हम व्यंजन को परिभाषित करें, व्यंजन की परिभाषा, तो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कुछ हुआ? देखिए, जैसे हमारा ये क्या है, हमारा स्वर है, ये हमारा क्या है, स्वर है। इनका उच्चारण जो होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता का आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप तरीके क है, देख रहे नहीं, क है, इसमें आपका क्या छुपा हुआ है, स्वर भी छुपा हुआ है ना। अब इसे अगर डिफाइन करें, तोड़े तो आधा क और धन आपका क्या है, दिख रहे नहीं, तो इसके साथ जो है, अब देखिए स्वर के इसके व्यंजन के साथ क्या है, स्वर आपका क्या होता है, लगा रहता है। तो आपसे इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा देंगे, जो है जो स्वरों की स्वर जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है, इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब समझ चुका? और व्यंजन को अगर आप परिभाषित करेंगे, व्यंजन की आप क्या परिभाषा देंगे, व्यंजन की परिभाषा देंगे ऐसे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है, वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब समझ चुका? अब देखिए, स्वर के प्रकार,
स्वर भी कई प्रकार का होता है। ध्यान रखिए सबसे पहला कौन सा है आपका, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होता है वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा भी है? ह्रस्व स्वर, जो दूसरा है वह क्या है आपका, दीर्घ स्वर, और जो तीसरा है वह आपका कौन सा है, प्लुत। बात स्पष्ट हुआ? दूसरा देखिएगा, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। कौन कौन सा भैया? अग्र स्वर, दूसरा क्या है पार्श्व स्वर, और तीसरा आपका क्या है, मध्य स्वर। कंपन हुआ? अब देखिए आगे देखेंगे तो कहेंगे कि होठ की स्थिति के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा भी है? वृत्तमुखी, और दूसरा आपका क्या है, अवृत्तमुखी। अब ध्यान देखिए, उच्चारण के आधार पर हमने बताया कौन कौन सा है, ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका क्या है, प्लुत। तो ह्रस्व स्वर में देखिए, ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, कर्पणमुगा। या ऐसे कह दीजिए, दूसरे तरीके से अगर परिभाषा आपको देना है तो कह दीजिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या कह दीजिए एक मात्रा का समय लगता है, या दूसरे भाषा में कह दीजिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सा आता है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाला, ये चार वर्ण जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि वाला। अब देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर ऐसे स्वर, ध्यान रखिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या दूसरे भाषा में कह दीजिए कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। जो आपको लगे, जो परिभाषा आप देना चाहते, दोनों परिभाषा सही है। या तो आप कह दीजिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, पहली परिभाषा, या दूसरा आप कर देना है तो कह दीजिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपको क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ए और ओ औ, और आपका क्या है भाई, एक और आगत स्वर है आ। ध्यान रखिएगा एक आगत स्वर दिखाई नहीं दे रहा क्या पीछे तक, एक आगत स्वर है आ। अब आ को भी सम्मिलित कर लिया गया, किस प्रकार से, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात प्रमुख रूप से है। अब आगत स्वर को जो आ का पद लिखते हैं हम आ, दिख रहे नहीं, इसे आगत स्वर कहा जाता है, आगत स्वर। आगत स्वर का मतलब होता है कि आया हुआ, बाहर से आया हुआ, विदेशों से आया हुआ, ये आपका कौन सा है, आपका आगत स्वर। आगत स्वर का प्रयोग जैसे अंग्रेजी वर्णों में ही होता है, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं, देख रहे हैं कहीं प्रत्यंत्रकार बिंदी, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ स्वर में इसको भी सम्मिलित अब कर लिया गया। अपन हुआ आगे देखिएगा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ऐसे कह दीजिए, या ऐसे कहिए कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। जो आपको लगे कि हम ऐसे लिख देंगे तो अच्छा होगा, जो हमें जो याद हो जाए, क्यों, क्योंकि परिभाषा सब सही है। जो आपको लगे कि हम इस तरीके से ऐसे हमें याद हो जाएगा, आप ऐसे तो आप कर दिए कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, तीन मात्रा का समय लगेगा तो वो क्या कहलाएंगे आपका।
कंफर्म हुआ। अपलूत स्वर देखिए, मुख्य रूप से तो आपका ऐसा कहीं स्वर नहीं मिलता है प्लूत स्वर का उदाहरण, लेकिन प्लूत स्वर का प्रयोग जो होता है, इसका जो यूज किया जाता है, इसका प्रयोग जो है नाटक में अक्सर होता है, देख रहे नहीं, नाटक में या दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारने में, दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारने में नाटक में किया जाता है। जैसे देखिए नाटक में जब किसी बाण वाण लगता है तो जब राम राम चिल्लाते हैं, तो राम जब चिल्लाते हैं तो देख रहे नहीं, जब राम चिल्लाते हैं तो यहाँ पे एक मात्रा एक खींच और देते हैं, एक पाई और खींच देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा स्वर को बोध करा रहा है, प्लूत स्वर का बोध करा रहा है, अर्थात ज्यादा समय ले रहा है। या जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, देख रहे नहीं एक रिवाज है इसमें, इसी में एक को ती से बना देंगे, तीन तीन बना देंगे, अब देखिए कैसा प्रतीत हो रहा है, ज्यादा समय से ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। इस प्रकार से कैसे उदाहरण है आपके प्लूत स्वर, और दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है तो भी किसका प्रयोग होता है, प्लूत स्वर का ना? जैसे नहीं कहते हैं मोहना रे खिंचाव के साथ, जैसे किसी बुलाते हैं दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारते हैं तो ऐसे ज्यादा समय लेकर के बुलाते हैं, इसलिए भी प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। बात स्पष्ट हुआ? अभी तक देखिए हमने आपको क्या बताया, वर्ण, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। कंफर्म हुआ? जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके, वह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। फिर हमने बताया कि वर्ण को ही क्या कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। हमने बताया कि वर्ण जो है दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। कंफर्म हुआ? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर, और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन। कंफर्म हुआ? स्वर हमने बताया तीन प्रकार का, कौन कौन सा, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, होंठ की स्थिति के आधार पर। तो आप ध्यान रखिएगा उच्चारण के आधार पर कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन का, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और इसी वाला री। दूसरा है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ, ओ औ और आ, किसके अंतर्गत है, दीर्घ स्वर। प्लूत स्वर क्या है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण जो है तीन मात्रा का समय लगता है या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, वे क्या कहलाते हैं, प्लूत स्वर, प्लूत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग मुख्य रूप से नहीं होता है, लेकिन इनका प्रयोग नाटक में या दूर स्थित किसी व्यक्ति को पुकारने में प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। पता स्पष्ट हुआ यहां तक, कोई दिक्कत? आगे देखिए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा का प्रयोग है भाई, जहां जहां जिह्वा का जैसे जैसे भाग कार्य करेगा उसी प्रकार से इनका नामकरण पड़ा हुआ है। देखिए अग्रस्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर, ध्यान रखिए, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर। और फर्स्ट स्वर में कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा के पीछे का भाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, फर्स्ट स्वर। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, स्पष्ट है, ऐसे स्वर। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि अग्र स्वर, ऐसे स्वर जिनके अग्र माने आगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग कार्य करता है। अब बताइए कौन कौन सा हो सकता है इसमें, और ए ऐ, यही आपके ए ऐ, इनका जब उच्चारण किया जाता है प्रयोग करके देख सकते हैं, जब इनका उच्चारण करेंगे जिह्वा का अग्र भाग कार्य करता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है भैया, अग्र स्वर कहा जाता है। पचास से चुका। अब देखिए पांच स्वर क्या है, पांच स्वर तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग कार्य करता है, पांच माने पीछे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग कार्य करता है वे क्या कहलाते हैं, पांच स्वर। पांच स्वर के अंतर्गत आपको क्या आएगा, आ और उ, 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 और ओ औ, देख रहे नहीं। अब एक तो आपका स्वर है कौन सा, जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है मध्य स्वर कौन सा है, तो वनली वन एक आता है जिसे मध्य स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब स्पष्ट हुआ, अर्थात बोल दिया। आगे देखिए होठ की स्थिति के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर है, तो होठ की स्थिति के आधार पर मतलब होठ जैसे जैसे कार्य करेगा उसी आधार पर इसको नामकरण किया गया है। तो एक होता है ये वृत्तमुखी, और दूसरा क्या होता है, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है,
होठ होठ जो है वृत्ताकार या गोलाकार हो जाए, अगर होठ वृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है वृत्तमुखी, और होठ अगर वृत्ताकार गोलाकार नहीं होता है तो कैसे स्वर कहलाते हैं? कल्पन मुगा, जैसे देखिए कौन कौन सा, आप बताइए कौन कौन सा होठ बन रहा है गोलाकार? ये चार ठो बन रहे हैं, ये चार ठो में काम उसका होगा, ठीक है? रटेंगे नहीं, भूल जाएंगे, कितना रटेंगे, कितना सब्जेक्ट रटेंगे, रटना उठना नहीं है ना, तो रटने के लिए हम बताते हैं ऐसे आराम से, फिर दोबारा बता रहे सारे को। तो आपका कौन सा है कुकू, और दूसरा क्या है आपका ओ, कल्पन होगा। अब देखिए अवृत्तमुखी में, अवृत्तमुखी में क्या होता है, होठ वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होता। हिंदी में अ का अर्थ भी होता है नहीं, तो क्या हुआ कि होठ वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होता है जिन स्वरों के उच्चारण में, वे कैसे कहलाते हैं? अवृत्तमुखी। पता प्रश्न हुआ, तो ये आपका कौन कौन सा है, दूसरा क्या है आप छोटी ई बड़ी ई और ए आई, कन्फर्म हुआ, कन्फर्म हुआ कि आप कैसे कैसे हैं स्वर आपके, अवृत्तमुखी, कन्फर्म हुआ। आगे देखिए अब स्वरों की थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए कि स्वर कौन कौन से स्वर हैं, स्वर के संबंध में समझिए कौन कौन से स्वर हैं। तो ये आपका रहा स्वर, स्वर कौन कौन से, आपका छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, और ऋषि वाला री, ठीक है, ओ, और आपका क्या भैया अंग, और ये आपके 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13 स्वर। अब इसमें देखिए स्वरों पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वरों पे कैसे पूछेगा, इसमें दो तरीके से स्वर के संबंध में प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनेगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, कितना है कुल संख्या, जब कुल संख्या कहेगा, जब कुल संख्या कहेगा तो कुल संख्या में हम कितना रखते हैं 13। पता प्रश्न हुआ, कुल संख्या की अगर चर्चा करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 13 है, ये सब 13 है दिख रहे हैं कहीं, लेकिन जब प्रश्न कहे कि स्वरों की संख्या कितनी है तब आपका कितना है 11। प्रश्न दो बनेगा, एक तो ये कहेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, जब स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितना भी है 11, और जब कह दें कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, जब कुल संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब देखा इसमें और इसमें, इसमें 13 था, इसमें 11, 11 में दो स्वरों की गणना नहीं की जाती है, वो कौन कौन से आपके अंग और अह, ये न तो स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं व्यंजन होते हैं, इन्हें कहा क्या जाता है अयोगवा, अयोगवा, देख रहे नहीं, अयोगवा का मतलब होता है अप अर्थ होता है नहीं, योग का मतलब होता है गणना किया जाए, वाह का अर्थ होता है वाहन करे, निर्वहन करे, अर्थ बताए, अर्थात जिसकी गणना न की जाए फिर भी कुछ अर्थ दे बताए, उसी को क्या कहा जाता है अयोग वाह कहा जाता है। और अयोग वाह की जो संख्या है हिंदी में वह कितना है, क्योंकि संस्कृत में पूछा जा चुका है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है, 4 है, तो इस तरीके से आप इसमें भी पूछा जा सकता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है, अयोग वाह की संख्या कितनी है। बात स्पष्ट हुआ, किसी को डाउट, फिर से ध्यान रखिए स्वरों की जब संख्या पूछा जाए तो 11 है, दूसरा प्रश्न है जब स्वरों की कुल संख्या पूछा जाए तो स्वरों की कुल संख्या कितना है 13 है। बात प्रश्न हुआ, अब ध्यान दीजिए कि अंग और अह ये न तो स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं व्यंजन होते हैं, कन्फर्म हुआ, इसीलिए इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जूनियर में पूछा जा चुका है, अभी पीछे बैंक में जो पेपर हुआ है उसमें जूनियर पूछा था अयोगवाह आपको दिया था, स्वर में पूछा था, उसको दिया था, उसी पूछा था कि कौन सा अयोग हुआ है। हिंदी में इसे अनुस्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है अनुस्वार, और इसे क्या कहा जाता है विसर्ग नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देखिए इनका उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चारित किया जाता है, जो वर्ड जहाँ से उच्चारित किया जाता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है, अगर किसी वर्ड का उच्चारण स्थान गले से होगा तो
वो क्या कहलाएगा, कंठ कहलाएगा। अगर उच्चारण करते समय जिह्वा जो है ताल को स्पर्श कर देती है वे कालब्ध कहलाएंगे। अगर होठ कार्य करता है, होठ का स्पर्श होता है तो वे क्या कहलाएंगे, मुष्ट कहलाएंगे। कन्फर्म होगा, जैसे जिन जिन वर्णों का जैसे जैसे उच्चारण होता है उन्हीं का स्थान उसी को क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। मतलब चुका। अब देखिए तो ये आ का जब उच्चारण स्थान करेंगे आप प्रैक्टिकल करके देखिए कहाँ से हो रहा है, आ का उच्चारण स्थान करेंगे तो आवाज कहाँ से निकलती है, गले से निकलती है, अर्थात कहाँ से, कंठ से, कंठ से निकलती है। इसलिए ये उच्चारण आपके क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। कन्फर्म हुआ, कन्फर्म हुआ। दूसरा देखिए जब ई का उच्चारण करते हैं तो जब शुरुआत से करेंगे तब यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तब नहीं मिलेगा, जब यहाँ से करते हुए आएंगे तो जिह्वा हमारी किसको छू देती है, ताल को स्पर्श कर देती है। इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये ताल वर्ण या तालव्य भी कह जाते हैं। असल होगा ताल या तालव्य। आगे देखिएगा आपका कौन सा है, उ आप प्रैक्टिकल करके बताइए कि उ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है, होस्ट ना। देखिए ऐसे करेंगे तो कहते हैं उ ओटकार कर रहा है, जब ओटकार कर रहा है तो क्या होगा, ये आपका कौन सा रहा, होस्ट। ध्यान रखिएगा यही सारा सब संस्कृत में भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ तैयार हो रहा है, किसमें अलग अलग नहीं है, ये स्वरों का अलग प्रकार होता था, ये आपको वही है, सेम है उच्चारण स्थान। आगे देखिएगा ऋषि का जो उच्चारण स्थान होता है, जब ऋषि का उच्चारण स्थान करते हैं तो जीवा हमारी क्या होती है, मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, झुक जाती है, थोड़ा झुकाव होता है जीवा में, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा का अर्थ ही क्या होता है, मुड़ना। मतलब आपका कैसा रहा, मूर्धा। अब देखिए ए का उच्चारण करते हैं तो आवाज कहां से निकलता है, कंठ से, लेकिन कंठ से निकलने के साथ साथ तत्क्षण जो है जीवा किसको छू देती है, ताल को स्पर्श कर देती है, तुरंत तत्क्षण स्पर्श कर देती है। इसलिए क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कंठ और प्लस ताल या तालब। बता स्पष्ट हुआ, बस स्पष्ट हुआ। आगे देखिए ओ औ, ओ का उच्चारण स्थान, जब ओ औ का उच्चारण स्थान करेंगे क्या, देखिए पहले तो आवाज कहां से निकलती है, कंठ से, लेकिन कंठ से निकलने के तुरंत तत्क्षण ही हमारा ओ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है ना, होठ कार्य करने लगता है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कंठ और प्लस, देख रहे हैं ना। अब इसी की हम दूसरे भाषण कर सकते हैं कंठोष्ठ। मुगा अगर आप इस तरीके से देते हैं तब भी सही है, इस तरीके से देते हैं तब भी क्या है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लोग बैठेंगे इस बार परीक्षा में, निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा ही मिस्टेक होगा। देखिए बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा ही मिस्टेक किए होंगे, बहुत जरा सा मिस्टेक हुआ होगा और उसमें सिर्फ कम तीन तीन चार चार पांच पांच नंबर सबका क्या हुआ होगा, सबका वो क्यों भाई, क्योंकि परीक्षा का प्रेशर होता है, परीक्षा का प्रेशर होने की वजह से ऐसा सब मिस्टेक होता है, जानना ही नहीं। और कुछ लोग तो इसमें ऐसे रहे होंगे जो पीछे भर्ती में समय गंवा दिए होंगे, दोबारा बैठ रहे होंगे, उनके लिए तो और जैसे प्रेशर टाइप, जैसे जान सब रहे हैं लेकिन इस तरीके का प्रेशर होता है कि बड़ा अजीब सा महसूस होता है उसमें ना, बहुत ठंडा हवा चलता है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक जो है हो जाते हैं ना, लेकिन व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि अपनी गलती अपने पर नहीं थोपता, कहीं बगले वाला लड़का सही ना रहा, बगले वाला रहा बड़े बड़े ना रहा, अपन ना कभी अपना दोष कभी नहीं देते हैं कि हम जो